हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और श्रद्धालु जन घंटे को बजाना ना भूलें। साउंड चेक, साउंड चेक। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त आदित्य रंजन, इंस्पायर टू हिंदी से। और आज हम हैं लवनीश जी के साथ, जो कि स्टार्टअप कैफे के साथ काम करते हैं। और ये वीडियो बनाना बहुत जरूरी था। हाल ही में मेरा फोन चोरी हुआ है, और ये फोन चोरी हुआ उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो स्टेशन के पास नई दिल्ली में। और ये व्यक्ति जो है, इनके साथ वीडियो बनाना इसलिए बनता था क्योंकि इनका फोन 3 बार चोरी हो चुका है। और मुझे तो कई बार जिंदगी में हैरानी होती है कि एक इंसान का फोन 3 बार कैसे चोरी हो सकता है। तो लवनीश जी, आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइए कि सबसे पहली बार कब आपका फोन चोरी हुआ था। बिल्कुल, दिल्ली में वैसे रहते हुए 3 साल हो चुके हैं, बट कभी ऐसा लगा नहीं कुछ इस तरह की चीज मेरे साथ भी हो सकती है। कि मैं कभी भी रोड पे चलते हुए बिल्कुल फ्रीली, और जब लोगों को सुनते हैं कि नहीं उसका हो गया, उसका हो गया, तो खुद को ऐसा लगता है कि नहीं यार, अभी इसका कैसे हो गया, ऐसा तो पॉसिबल है। पता नहीं वो कैसे लगते हैं, जब खुद के साथ हुआ तो पता चला कि भैया नहीं, रैली में ऐसी चीज भी होती है दिल्ली में। तो आपका पहली बार कब फोन चोरी हुआ? पहली बार मेरा अब से लगभग 3 महीने पहले चोरी हुआ था। नॉर्मल दिल्ली रूटीन में जैसे ऑफिस आते हैं, रूम से निकले अपना ऑफिस के लिए, बस उसी ही दिल्ली रूटीन में वो पहली बार चोरी हुआ। और फिर कौन सा मॉडल यूज कर रहे थे तब? उस टाइम मेरे पास क्या कहते हैं अपना ली टीवी था। हाँ, लाइको, लाइको का। अच्छा, लाइको। सही फोन होगा, मतलब सही एकदम वो मिड रेंज के अराउंड होगा, बढ़िया अच्छे फीचर्स वाला। हार्डली 6 महीने हुआ था उसको लिए हुए, और फर्स्ट टाइम जब हुआ वो तो एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत खराब था, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब हुआ तो वो ऐसा था कि फोर्सफुली भी कह सकते कि हाँ फोर्सफुली, जैसे लड़की आया उन्होंने घेरा और फोर्सफुली निकाल लिया फोन। तो आप ये देख रहे हैं दिल्ली में ऐसा हो रहा है, इस तरह का वो एटमोसफियर था। और फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था तो थोड़ी वो भी था कि बड़ा अजीब सा ये था। फिर मैंने 100 नंबर पे कॉल किया और पुलिस वाले आए, स्पॉट पे सब कुछ हुआ। और वो लोकेशन भी ऐसी थी, वहाँ पे जो है कैमरे लगे हुए हैं, वो है आपका क्या कहते हैं शोरूम है। अच्छा, ज्वेलरी के शोरूम थे और हर एक ज्वेलरी के शोरूम के बाद कैमरे लगे हुए थे, तो इस तरह की लोकेशन थी वो। सब कुछ था, पुलिस वाले देखा, उनके साथ एक आईटी का बंदा आया, उन्होंने देखा कि हाँ यहाँ कैमरे और ये वाली लोकेशन है और ये बीच में है, ठीक है। और मुझे पुलिस स्टेशन बुलाया कि आप आओ और FIR के लिए, और हम आगे की वो करते हैं। तो उन्होंने जो है कि पहले तो 1 घंटा वेट करवाया, सही। उसके बाद मैं कॉपी लेके गया था कि ये मेरी जो है कंप्लेंट है, इसको आप लिखो। तो उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं लिखेंगे ये वाली, हम जो कैसे जब हम कह रहे हैं वो आप लिखो। इसके बारे में एक चीज़ बोलना चाहूँगा, मेरा फोन अभी सैटरडे नाइट को चोरी हुआ है, आज है ट्यूसडे, और ये सीन ना भारत में बहुत ही खराब है कि मैं पुलिस को बता रहा हूँ कि मेरे साथ ये हुआ है और पुलिस मुझे कह रही है, पुलिस ने बोला एप्लीकेशन लिखो। मैं एप्लीकेशन लिखने बैठा हूँ, मैंने एप्लीकेशन लिखी पूरी, फिर पुलिस क्या बोल रही है कि जैसे ही मैं इंग्लिश में एप्लीकेशन लिखनी शुरू करी, आधी एप्लीकेशन लिख चुका हूँ मैं, पुलिस उसको फाड़ के मुझे एक नया पेपर देती है और बोल रही है हिंदी में लिखो, मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखो। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक जबरदस्ती का थोपना हुआ हम पे कि, और हुआ क्या कि जैसे मैं जैसे लिख रहा था एप्लीकेशन, तो उनने बोला कि जैसे पुलिस एक एक वर्ड टू वर्ड मेरे से लिखवा रहे हैं, तो मैं जैसे उसने बोला कि लिखिए कि मेरा फोन यहाँ से चोरी करके ले गया, तो मैंने जस्ट एक वर्ड गलती से ऐसे चेंज करा होगा फ्लो में कि चोरी करके भाग गया, कहता नहीं नहीं चोरी करके ले गया लिख। और ठीक है, मैं समझ सकता हूँ उसके पीछे भी कुछ लीगल रीजंस होंगे ऐसे लिखने के। फिर पुलिस वालों की जो हरासमेंट और प्रताड़ना शुरू होती है, वो कोशिश ये करते हैं कि आप FIR ना करें, और ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये होती है कि आप बिल्कुल तंग हो जाए, पुलिस स्टेशन छोड़ दे, कंप्लेन ना करें, क्योंकि कंप्लेन करने का मतलब ये है कि उनको कार्रवाई करनी पड़ेगी, उनके रिसोर्सेज लगेंगे। कोशिश ये होती है कि बस बंदा तंग हो जाए, छोड़ के चला जाए, फोन को भूल जाए। तो आप देख सकते हैं कि भारत का जो एक जुडिशरी सिस्टम है और जो एक पुलिस का जो सिस्टम है, वो काफी हद तक इस मामले पीछे हो रखा है। उसके बाद उन्होंने लिखवाया, मैंने कहा कि जिस तरह मैं फोर्सफुली था, मैंने कहा कि ये नहीं, ऐसा मत लिखो, आप ये लिखो कि आप रोड पे जा रहे थे और स्कूटी पे लड़के और फोन छीन के भाग गए। जब ऐसा हुए कि फोर्सफुली था तो मैं क्यों लिखूं, नहीं आपको फिर कोर्ट में पूछेंगे कि वो आगे से आए पीछे से आए, आपने क्यों क्या किया, आपने रोकने की कोशिश नहीं की, आप उनको जानते थे, ऐसे 36 सवाल करेंगे आपसे, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, आप और फंस जाएंगे। इनकी कोशिश पता ये होती है पुलिस की कि आप FIR ना दर्ज कराए। मेरे केस में भी हुआ, FIR नहीं दर्ज कराई, NCR एक बना के दे दी। क्यों? FIR करने का मतलब है दे आर लायबल टू टेक एक्शन टिल
द लास्ट पॉइंट कि भाई जब तक फोन नहीं मिल जाता या तो ट्रेस ओके नहीं रहता है या ब्लैकलिस्ट नहीं होता है, मतलब उनको पूरा एक्शन लेना होता है, एफ आई आर करने का मतलब ये होता है। पर उनकी कोशिश ये होती है भैया हम बचे एफ आई आर करने से, हम कानूनी कार्रवाई हमें ज्यादा से ज्यादा न करनी पड़े। और जिस सेकेंड आप एडमिट हो जाएंगे इस बात पर, टिक जाएंगे कि आपको डिटेल्स चाहिए या आपको पूरा अच्छे से करवाना है, तो आपसे ही 10 साल उल्टे करके पूछने लगेंगे, आपको तंग करने लगेंगे कि आपका मन बदल जाए और आप कोशिश करें कि एफ आई आर ना हो या आप उनसे छोड़ के ही चले जाए। तो हमारे साथ भी हुआ, 7 बजे मैं थाने में गया, 10:30 बज गए, मैं तंग हो चुका था, मुझे घर वापस आना पड़ा। अगले दिन मैं फिर दौड़ा, आज मैं भी थाने से ही आ रहा हूँ और आज लवनीत जी से मिला हूँ क्योंकि इनका रिसेंटली में 3री बार फोन चोरी हुआ है। तो दूसरी बार सर जाओ, पहली बार में जो पुलिस वाला जो रोल है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने खुद से लिखवाया, ठीक है जैसा आप कह रहे हैं वैसा लिख दीजिए, लिखवा दिया मतलब एफ आई आर की कॉपी दे दीजिए। नहीं अभी तो ये हैंड रिटन है, अभी कंप्यूटर वाला बंदा हमारा आएगा वो कंप्यूटर में चलाएगा, तब जाके आपको एफ आई आर की कॉपी मिलेगी। तब तक आपके पास टाइम, आप सोच लीजिए आपको करानी है नहीं करानी, क्योंकि आपको फिर जो है पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा हर रोज और शिनाख्त करनी पड़ेगी लड़कों की, आपको पहचानना पड़ेगा, उसके बाद इनके लिंक भी होते हैं और आपको हो सकता है फ्यूचर में प्रॉब्लम भी हो। मतलब पुलिस वाले ही आपको डरा रहे हैं, भारत का सिस्टम इतना खराब हुआ, पुलिस वाले ही डरा रहे हैं कि भैया उनके लिंक है तुम बच के रहो, हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, तुम पिटोगे। ऐसा काम करते हैं वो सिंगल नहीं होता है, ग्रुप नहीं होता है, तो ऐसी भी प्रॉब्लम होगी। उन्होंने पूछा भी कि आप यहाँ अकेले रहते हैं, फैमिली है क्या है, हर एक चीज पूछ के, तब उन्होंने ये चीज समझाई कि तो आप सोच लो कि आपको करानी है नहीं करानी है, घर बात कर लो। फिर उसके बाद मैंने सोचा और फिर मैंने ये डिसाइड किया कि खैर जाने दो, क्योंकि इनकी भी इच्छा नहीं है और फिर कल को खुद कोई प्रॉब्लम हो और ये बार बार फोन करके बुलाएं कि आओ पुलिस स्टेशन जाओ। जैसा कि आप देख सकते हैं छोड़ो एफ आई आर को, कि हुआ ये कि हमारे आम नागरिक है तंग हो गए सिस्टम से और इन्होंने छोड़ दिया प्रोसेस एफ आई आर करने का। मैं इसलिए गया क्योंकि मेरे पास जो फोन था वो एक्चुअली मुझे वीवो इंडिया से आया था, कुछ भी सीन होगा तो मैं धरा जाऊंगा, तो मैं इसलिए गया कि बस मेरा फोन कम से कम बंद हो जाए या ब्लैकलिस्ट हो जाए उसका IMEI, गलत कामों में इस्तेमाल हो। तो आप देख सकते हो कि नॉर्मल बंदा जो है उसका अगर फोन चोरी रहता है तो वो वैसे ही तंग होता है, बंदे को आम अपना कमाना है खाना है वो सब छोड़ेगा या पूरे दिन पुलिस स्टेशन में ऑफिस में जाएगा या पुलिस स्टेशन वही दिक्कत पूरा दिन लगा देते हैं बहुत। आज मैं बता सकता हूँ मुझे बुखार भी है, सुबह मैं गया था करीब 10-11 के अराउंड और मेरा पूरा टाइम वहाँ पे स्पेंड हुआ है, फिर मैं वहाँ से यहाँ पीतमपुरा इनसे मिलने आया हूँ, खास इनसे मिलने आया हूँ और यही बात करने आया हूँ। तो सेकंड फोन के टाइम पे क्या सही हुआ? सेकंड टाइम में तो सेकंड टाइम में बस MI का फोन था और अभी वो हार्डली एक ही दिन हुआ था और मैं डेली रूटीन में जैसे लंच करने भी जाता हूँ ऑफिस से वैसे ही था, बीच में कॉल आया और कॉल मैंने रिसीव करा और ऐसा भी नहीं कि बहुत ही सुनसान रोड हो, मतलब अच्छा खासा पीतमपुरा मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल अंदर की तरफ कटता हुआ रोड था, अच्छा खासा रोड है, उसमें पीछे से बाइक वाले आए और वो छीन के ले गए। और इस बार आप पुलिस स्टेशन गए कि नहीं गए? नहीं, फिर मैं पुलिस स्टेशन नहीं गया क्योंकि जो था लोकेशन भी पुलिस स्टेशन की सेम थी जो लास्ट टाइम वाली थी। अच्छा, तो मतलब कि सीन ये है कि इनका एक्सपीरियंस इतना खराब हो चुका है कि ये पहले ही इनके मन में आ गया कि ये लोग मेरी मदद तो करेंगे ही नहीं, तो उम्मीद पहले ही खत्म हो गई थी, तो एक तरह से बंदा इतना तंग हो गया कि उसने एक्सपेक्ट कर लिया। अब दूसरी बार जो था ये कितने गैप के बाद हुआ पहला फोन चोरी? हार्डली सिर्फ 5 दिन के बाद। तो मेरी इनसे बात होती रहती है, ये मतलब मेरी मदद करते रहते हैं ये GST वगैरह फाइल करने में और बहुत ही मतलब दिक्कत वाला हिसाब हो गया क्योंकि मेरी इनसे बात ही नहीं हो पाई ऑलमोस्ट 4-5 दिन तक, मुझे लगा ये कहाँ गायब हो गए। फिर इनका एक मेरे को मैसेज आ रहा है, सर मेरा फोन दोबारा चोरी हो गया। और आप समझेंगे नहीं, मुझे इतनी हैरत हुई, मैं सोच रहा है एक बंदे का फोन इतने कम गैप में दोबारा कैसे चोरी हो गया। फिर अब सेकेंड से थर्ड फोन के कितना गैप था? उसके बीच में था ये 2.5-3 महीने का, 2.5-3 महीने का गैप था, 2.5-3 महीने बिना वारदात के काम कर पाए या थोड़ा अपना आराम से, लेकिन फिर चोरी हुआ। आपको क्या लगता है कि हो सकता है कि कोई गिरोह हो या कुछ हो या जो आपको टारगेट कर रहा हो? ये मेरे साथ जो घटना हुई उसके बाद न्यूज चैनल जो मैं सुनता था तो उसके बीच में जो इस तरह की न्यूज आती है कि ये जो है मोबाइल स्नैचर पकड़े गए और उनके पास 70 फोन 80 फोन बरामद आ रहे हैं, तब मेरे को लगता था यार थोड़ी सी मेहनत करके मैंने FIR करा दी होती तो क्या होता, पुलिस वालों का फोन आता कि हाँ सर आपका जो है शायद थोड़ा बहुत भागदौड़ कर लेनी चाहिए थी, लेकिन इसमें पूरी तरह से मैं मानता हूँ आपका भी दोष नहीं है क्योंकि अगर सिस्टम ही इतना मुश्किल है काम करने के लिए, एक बंदा जाके ऑफिस में काम करेगा या पूरे दिन वो थाने में बैठा रहेगा, तो ये थोड़ी दिक्कत हो जाती है। ये प्रोसेस थोड़ा आसान होना चाहिए क्योंकि आज की डेट में मोबाइल स्नैचिंग जो है फोन चोरी जाना बहुत ही कॉमन क्राइम हो गया है। मैं क्या बताऊँ, मतलब ये ऐसा क्राइम है कि मतलब कोई भी कर सकता है, कोई भी आ रहा आके आपको फोन चोरी करके चला जाएगा, बाइक पे होगा तेज से आ रहा होगा बगल से आपका फोन ले जाएगा,
आपको पता भी नहीं चलेगा और बहुत ही दिक्कत भरा काम हो जाता है। यहाँ तक कि मैं अपना इंसिडेंट आपको बताता हूँ कि जिस थाने में मैं गया वहाँ पे उसी दिन किसी और बंदे का फोन चोरी हुआ था। तो वो जब आया वहाँ पे उसने अपने फोन के स्नैचर्स को पकड़ लिया था जो कि जुवेनाइल्स थे। और जब थाने में आया तो भाई पहले पुलिस का टोन था कि ये लड़का बहुत अच्छा है, इसने मेहनत करी, सही पकड़ के ले आया। उन्होंने उनको लॉकअप में डाल दिया। फिर उन दोनों में से एक के पिताजी आ गए वहाँ पे। फिर मैं देख रहा हूँ कि पुलिस का टोन कैसे पूरा चेंज हो गया और जो बंदा उन स्नैचर्स को पकड़ के लाया उसी से ही क्रॉस क्वेश्चनिंग चल रही है कि वो बंदा हरास हो, तंग हो जाए और या तो अपना बयान वापस ले ले या कुछ और सीन कर दे। और जहां तक कि करप्शन की बात आती है, करप्शन तो पूरा भैया कूट कूट के भरा हुआ है क्योंकि इन लोगों के टोन में ही ऐसा होता है कि ये लोग चाहते बस आप थोड़ा पैसा दे दें तब आपका काम होगा, वरना तो भैया आपका काम ही नहीं होगा, आपसे बात भी नहीं करेंगे लोग सीधे मुंह। और जितना मेरे को याद है, मैं एक नाम नहीं लूंगा उस कांस्टेबल का या जो भी था पुलिस स्टेशन में, लेकिन वो जो व्यक्ति था उसको जब मैंने बोला सर मेरा फोन चोरी हो गया, तो जब वो मेरे से एप्लीकेशन लिखवा रहा था ना कि कहां कैसे, वो एप्लीकेशन तो खुद ही से अपना बोल के लिखवाते हैं, जब एप्लीकेशन लिख रहे बोलता कहां चोरी हुआ वो जगह लिखो, मैंने बोला सर उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो स्टेशन चोरी हुआ। फिर दोबारा मेरी आंखों में आंखें डाल के वो बंदा वही बोल रहा है कहां चोरी हुआ बताओ, मैंने कहा सर उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो स्टेशन पे चोरी हुआ। फिर वो दोबारा तीसरी बार मुझसे सवाल पूछ रहा है, मैंने बोला सर मेट्रो स्टेशन पे गेट नंबर 1 के सामने हुआ। और मतलब ये लोग पता है क्या कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ करके आपको FIR करने से बचा ले या अपने थाने से कहीं और भेज दे। क्यों, अब जैसे ये जो इनका एरिया है जहाँ पे ये रहे निगमपुर के पास, यहाँ पे भी सीन इतना खराब है कि अगर जैसे एक रोड पे कुछ क्राइम हुआ है तो किसी और पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में पड़ता है, एक बगल वाले किसी और रोड पे क्राइम हुआ है तो किसी और पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में पड़ता है। तो ऐसे कर करके पूरे एरिया को ऐसा तबाह कर रखा है कि बंदे को समझ में नहीं आएगा कि उसे कंप्लेन करने जाना कहाँ पे है। और इसलिए मतलब बहुत ही दिक्कत हो रखी है। अब आप एक ऐसे व्यक्ति को देख रहे हैं जिसका फोन 3 बार चोरी हो चुका है और अभी समझ में नहीं आ रहा कि अगर इंसान अपने काम पे फोकस करे या फोन बचाने पे फोकस करे। और अगर आम जिंदगी आप जीना चाहते हैं तो आप बाहर अपना फोन कॉल उठाएंगे, डर के थोड़ी जी सकते हो, हमेशा आप बाहर आप फोन ही नहीं उठाओगे क्या। उस इंसिडेंट के बाद क्या हुआ है कि मैं जब भी रोड पे चलता हूँ फोन में मेरी जेब में होता है, बैग के अंदर और बैग पे लॉक। हाँ, तो आप सोच सकते हैं कि इतना मतलब डर हो गया बंदे के मन में। और मुझे पता क्या लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको सिंगल आउट किया जा रहा है, आपको टारगेट बना दिया गया है। हो सकता है कोई गुरु गिरोह हो जिनको पता हो कि यार ये बंदा है शायद ये उतना मस्कुलर नहीं है तो इसी को टारगेट बनाते हैं, 5-6 बंदे आएंगे इसको पकड़ लेंगे। ऐसा भी मेरे को नहीं लगता क्योंकि सेम जब मेरा सेकेंड फोन चोरी हुआ जिस रोड पे हुआ उसी रोड पे हमारे ऑफिस के एक और लड़के के साथ में वो बाइक पे था, उसको कॉल आया, वो रुका कॉल रिसीव करने के लिए और पीछे से जो है स्कूटी पे लड़के आया और छीनने की कोशिश की। अब वो थोड़ा हेल्दी है तो फोन छीन नहीं पाया और वो फोन जो है उसके हाथ से भी गिरा, स्नैचर के आदमी भी ना रोड पे गिर गया। उसने लड़के ने फोन उठाया, जेब में डाला, अब वो बाइक पे था, आगे वो स्कूटी वाले थे, उसने उनको पीछा किया। अच्छा, और काफी आगे जाके एक जगह वो फंस गए, धर लिया और वो बाइक पे उतरा, उसने जो पीछे वाला लड़का उसको पकड़ा, तब तक वो स्कूटी वाला थोड़ा जान के लिए हुआ आगे भाग गया और उसने पीछे वाले को पीटा वहाँ पे, गंदा पीटा हुआ। पर उसने भी ये नहीं किया कि मैं पुलिस वालों को फोन करूं या फिर हम उनको बताऊं कि मेरे फोन छीनने की कोशिश कर रहा। देखिए, अब यही तो बात है ना कि अगर आप इस पूरे सीन में पुलिस को इन्वॉल्व करने की कोशिश करते, पुलिस कहता भाई क्राइम तो हुआ ही नहीं तो किस बात पे हम इसको अंदर करें, यही तो दिक्कत है ना। आपने उसको क्राइम की इंटेंट से देख लिया लेकिन पुलिस के लिए बात काफी नहीं होती, पुलिस को चाहिए भाई क्राइम होना चाहिए, सबूत होना चाहिए, तब जाके हम कुछ कहते कि आपका तो फोन ही नहीं, आपका तो फोन ही नहीं चोरी हुआ और आपकी जेब में, आप किस बात पे कंप्लेन कर रहे हैं। तो इसलिए कई बार ऐसा होता है कि आम नागरिक अपने हाथ में लॉ ले लेता है और खुद ही सुधरे पे आ जाता है। तो ये उसी इसमें हुआ, आपको भी पता था कि सामने वाला है ये भी तो ये कंप्लेंट करेगा क्योंकि हाँ खुद ही स्नैचिंग कर रही है, कहा पुलिस में जाएगा कि मुझे मार पड़ी है क्योंकि मैं स्नैचिंग कर रहा था। उसका भी मन हल्का हो गया कि चलो मैंने मार्केट अच्छी तरीके से, थोड़ा कुछ ज्यादा दिन हाथ पैर टोटल के अंदर रहेगा। आज भी आज ही की डेट में एक और सीन हुआ है जहाँ पे मैं DTDC में कुरियर करवाने जाता हूँ, वहाँ पे एक थोड़ी सी फिजिकली हैंडीकैप सी लड़की थी तो वो ATM से पैसे निकाल ली थी। DTDC के जो अच्छे खुशनुमा लौंडे थे उन्होंने बंदे को स्नैच करके पर्स भागते देख लिया, उन्होंने उसको पकड़ा, उसकी जो सुताई करी है बढ़िया वाली। तो उन लोगों को भी पता है कि अगर वो पुलिस को बीच में इन्वॉल्व करेंगे तो पुलिस पूरा प्रोसेस डिले कर देगी और जस्टिस नहीं मिलेगा। उन्होंने उस बंदे को भाग भाग के पकड़ लिया, पर्स लिया वापस, पर्स दिया लेने को और वहां पे उसकी धर धर के मारा। और पता है जो जिसको मार पड़ रही थी उसका डायलॉग क्या था, मार क्यों रहे पुलिस को बुलाओ, तो उसे भी पता है कि पुलिस आएगी तो मैं ही बचूंगा, मैं ही बचूंगा और इनको इनको रोकेगी पुलिस। तो ये आप सोच सकते हैं क्रिमिनल का भी एटीट्यूड क्या है कि भाई हाथ क्यों छोड़ रहा है पुलिस को बोला, और वो लोग धपाधप उसके पेले जा रहे थे। तो इससे आपको आइडिया लग रहा है कि दिल्ली जैसे शहर में क्या सीन हो गया है। और मैं तो टेक वीडियोस बनाता हूँ, आज ऐसी वीडियो कर
आपका मोबाइल फोन आपकी एक बहुत ही प्राइमरी एक्सेसरी है जो आप रोज दिनचर्या में इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर वो ऐसे चोरी होता रहेगा लगातार, मेरा भी अब चोरी हो गया, इनका तो भैया 3 बार हुआ है, तो अगर ऐसे चोरी होता रहेगा तो बहुत ही कलेश वाली बात होती है। तो आप थोड़ा सतर्क रहें, और अगर आपके पास एक आईफोन है तो आईफोन के लिए फाइंड माई आईफोन करके आता है, वो अगर आप इनेबल करके रखेंगे कितना भी टॉप से टॉप चोर होगा वो कुछ नहीं कर सकता, आप अपने आईफोन को कभी भी ट्रैक कर सकते हैं। आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो फाइंड माई ड्रॉइड करके ऐप आता है गूगल का, वो आप डाल के रखें और हमेशा गूगल अकाउंट लॉग इन रखें। जैसे ही आपका फोन आपको लगता है चोरी हुआ है, आप अपने गूगल अकाउंट पे किसी और डिवाइस से लॉग इन करिए और उस फोन की लास्ट 10 लोकेशन आप वहां से जान सकते हैं, उस फोन को रिमोटली वाइप कर सकते हैं या और भी उसके साथ एक्शन ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको पहले से सतर्क रहना पड़ेगा, पहले से तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि क्राइम कभी भी हो सकता है, और आपको क्या पता हो सकता है आपके साथ जो भी बगल में बैठ के वीडियो देख रहा हो वही आपका फोन चोरी करने के फिराक में हो। तो मित्रों, इस वीडियो के लिए इतना ही। आपका दोस्त आयतन आर्चा, इंस्पायर्ड हिंदी से सतत निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहिए, और हमेशा की तरह धन्यवाद।